दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के सप्त दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को स्वयंसेवकों ने गोलघर के विभिन्न मार्गों और महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर जन जागरूकता अभियान चलाया। स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं ने स्मारक के आसपास कूड़ा करकट हटाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सफाई अभियान के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुरेंद्र चौहान, गौरव सिंह, अनुप कुमार, अमित यादव, पुष्पेंद्र कुमार, अंकेश यादव, कृष्ण कुमार रंजन, अनुपमा यादव, राजू यादव सहित सभी स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं अभियान में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका और कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुरेंद्र चौहान ने कहा, हम लोग दिग्विजयनाथ से हैं। यहाँ पे स्वच्छता अभियान चल रहा है ताकि हर तरह की सफाई हो सके, और यहाँ हमारे शहर में बहुत सारी गंदगियाँ हैं, इसलिए हम लोग सब पॉल्यूशन को दूर करने के लिए सफाई कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र चौहान, हम दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हैं, और हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का सप्त दिवसीय विशेष शिविर लगा हुआ है। और इस बार इस सप्त दिवसीय विशेष शिविर का जो मुख्य ध्येय वाक्य हुआ है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत, और स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसी के अंतर्गत आज पांचवा दिन है। और हम पिछले चार दिनों में विभिन्न चौराहों पे जाके वहाँ पे सफाई किए हैं, स्वच्छता का संदेश फैलाए हैं, और आज पांचवे दिन हम लोग कचहरी के पास अंबेडकर चौराहे पे गए हैं, उस प्रतिमा अंबेडकर प्रतिमा की सफाई किए हैं, चौराहे के आसपास जो भी गंदगी थी उसको साफ किए हैं, और फिर आज गमलों में पानी डाले हैं, और अगली कड़ी में हम इस चौराहे पे आके सफाई किए हैं।